नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पौराणिक कथाओं के बारे में जाने थे, हम अपने इस वीडियो में एक और पवित्र ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे और यह पवित्र ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे श्री शैलम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, विश्व भर में श्रद्धालुओं का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के बारे में। शिव जी और पार्वती जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुँचे। उनकी सारी बातें सुनकर गौरी शंकर जी ने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। इधर गणेश जी और उनका वाहन चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते हैं? गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपने माता पार्वती तथा पिता महेश्वर से एक आसन पर बैठने को आग्रह किया। उन दोनों लोगों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी ने उनकी सात परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हो चुका था। कार्तिकेय जी को जब गणेश जी के विवाह का पता लगा, उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वो बहुत नाराज हुए। कार्तिकेय जी अपने माता पिता से मिलने के लिए जाते हैं और शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहाँ से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती जी ने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। नारद जी ने बहुत प्रकार से कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी और शिव जी को लेकर उस पर्वत पर आ पहुँची। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिली और वे वहां से 12 कोस यानी 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय जी के चले जाने पर भगवान शिव क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शिव को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुआ। क्या आप जानते हैं, ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता सती के अवशेष गिरे थे, इसीलिए ये मंदिर ज्योतिर्लिंग एवं शक्तिपीठ भी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अमावस्या के दिन भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय जी से स्वयं मिलने आते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं और उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। हमारी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अपने नए वीडियो में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पौराणिक कथाओं के साथ।
तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।